धीमहि। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का मंगलाचरण है। इस मंगलाचरण में वैदिकत्व का प्रतिपादन किया गया है। अद्भुत ये मंगलाचरण है, इसलिए इसमें पहले ही कहा गया कि सत्यम परम धीमहि। इसमें परम सत्य की उपासना की गई है और कोई भी इष्ट देवता को मानने वाला हो, कोई भी मत संप्रदाय परंपरा का अनुयायी हो, ये कोई भी नहीं कह सकता है कि उसका इष्ट देव सत्य नहीं है। इसलिए सबके इष्ट देव की वंदना है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि। परम जो परब्रह्म परमात्मा है, और धीमहि शब्द कहकर के इसमें क्या है कि ये वेद वेदानुमोदित कहा, क्योंकि धीमहि शब्द गायत्री मंत्र के तृतीय पद में है। तो सवितुः वरेण्यम जो गायत्री मंत्र है, तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसलिए वैदिकत्व का इसमें प्रतिपादन किया धीमहि कहकर के, और सत्यम कहा। आप सभी लोग जानते हैं कि वेदव्यास जी अगर आग्रहवाद करते तो लिख देते कृष्णम परम धीमहि, शिवम परम धीमहि, नारायणम परम धीमहि, दुर्गाम परम धीमहि, और किसी की भी शब्द को लगाने पर छंद का व्यतिरेक नहीं होता, छंद यथा साध्य बना रहता। लेकिन फिर भी उन्होंने परम सत्य, क्योंकि हम सभी लोग जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को भी जब भक्त लोग मंगलाचरण में पुकारते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाय। तो सच्चिदानंद में सबसे पहले क्या कहा, सत्य। कि हमारे श्री कृष्ण जी क्या है, बोले सत्य है। राम जी को भी क्या कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं था मोहिन सालवले सा, माने क्या है वो, सत्य है। इसलिए अगर सत्य कह दिया तो निचोड़ आ गया। अब वो जिस भी रूप में आप उसे मान ले, श्रीमद् भागवत में हर एक उपासक के अपने अपने इष्ट देव का सम्यक्त्या दर्शन प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो शंकर जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे नरसिंह जी हो, चाहे वामन जी हो, सभी का इस ग्रंथ में वर्णन आता है और बहुत मर्यादा और बहुत ही प्रभा के साथ में आता है। इसलिए सभी को ये ग्रंथ लेकर के चलता है, सभी उपासकों को लेकर के चलता है, सभी उपासनाओं को लेकर के चलता है और सभी आराध्य देवताओं को लेकर के चलता है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, वह परमात्मा हमारी धीमे स्थित हो। तो जन्माद्यस्य, वो परमात्मा कैसा है, श्रीमद् भागवत का देवता जन्माद्यस्य। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, इस सृष्टि के आदि में जो विद्यमान था वो परमात्मा है, जो चतुर्थ श्लोकी भागवत में बताया गया है, अहम एवा समेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चाद अहम सत परम, सत से भी परे है वो। नान्यद यद सत सत परम पश्चाद अहम यदेतच्चो योविशिष्येत सोऽस्म्यहम्, ये वो परमात्मा है जन्माद्यस्य। अथवा इसका तात्पर्य यह है कि यह इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय जैसे तोन व्याधि और सबको उसी के द्वारा विश्वोत्पत्त्यादि हेतु जन्म पोषण और संघार आदि क्रियाएं जिस परमात्मा के माध्यम से होती हैं, जन्माद्यस्य तोन व्याधि तरतस, और सबको जन्म देने के बाद में समस्त सद वस्तुओं में जो अनवय से संबंध से जुड़ा हुआ है, अनवित है समस्त सद वस्तुओं में और असद वस्तुओं से सर्वथा पृथक है, समस्त सद वस्तुओं में वह परमात्मा समस्त सद पदार्थों के अनुगत, समस्त सद पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से सर्वथा पृथक है। जन्माद्यस्य तोन व्याधि तरतश्चार्थेषु विज्ञस्यात्। और अर्थ जानते ना, जैसे पुष्प के अंदर गंध, उसकी अर्थ है।
जल के अंदर में जो रसत्व है वो जल का अर्थ है, सूर्य के अंदर में जो प्रभा है वो सूर्य का अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रसो हमप्सु कौन्ते प्रभास्मि सस सूर्योः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं ऋषु। वो वेदों का भी अर्थ है, जल का भी वो अर्थ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि सभी को आप जन्माद्यस्य तोन व्याधि तरतस चार्थे सुभिज्ञस्वरा। और उसे सहजता नहीं पाया जा सकता है ज्ञान के द्वारा, चार्थे सुभिज्ञस्वरा वो क्या है, जड़ नहीं है चेतन है, वह परमात्मा जड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, वृक्ष नहीं है, जड़ नहीं है चेतन है। इसलिए हमारे यहाँ जो मूर्तियां भी जब प्राण प्रतिष्ठित हो जाती हैं तो ये जिनको उनको अगर अगर आप मंदिर में जाते हो और अगर आप कलाकृति उनकी देखते हो कि कितने में ये मूर्ति आई, कहाँ से मूर्ति आई, मूर्ति बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे कलाकार ने बनाया है, तो आप नास्तिक भाव को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा का मूल्यांकन करना और कलाकार की कला को उसमें तलाशना ये ठाकुर जी के प्राण प्रतिष्ठा का अपमान है। इसलिए ये जड़ नहीं है, ये चेतन है, ये श्री विग्रह होते हैं, चेतन होते हैं अनेकों, जैसे राम जी की कथा है ना, उसी तरह से भारतवर्ष के विभिन्न सुप्रतिष्ठित मंदिरों के अंदर जो देवताओं की मूर्तियां हैं उन मूर्तियों की भी अपनी अपनी कथाएं। हाँ महाराज, संत लोग जमात में लेकर के ठाकुर जी को चलते थे और ठाकुर जी को जब लेकर के चलते थे तो भक्तमाल की कथा चल रही थी और उस बीच में ठाकुर जी के पास में जो पारखा दारखद होते हैं वो तो सब होते हैं सोने चांदी के, ठाकुर जी की मर्जी है जो कुछ इकट्ठा कर ले सब होता है। अब ऐसे महाराज वो तो बीच में चोरों ने सोचा कि ठाकुर जी को पार कर दो, शिवरात्रि में मौका देख करके चोर लोग आए और जहां कथा चल रही थी ठाकुर जी को ही उठा ले गए वहां से, गोपाल जी को उठा ले गए वहां से, ले गए उठा करके, सोचा कि अब देखेंगे इनमें क्या मिलता है। अब ठाकुर जी ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया, कहा सुनो तुमने हमारी भक्तमाल की कथा छुड़ा दी, हम भक्तमाल की कथा सुन रहे थे और इधर हमारा ठाकुर जी चले गए तो सब संत उदास, किसी ने पानी नहीं पिया, किसी ने प्रसाद नहीं पाया कि अरे हमारे जमात के ठाकुर जी चले गए। संतों का जो भाव होता है वो अद्भुत भाव ठाकुर जी के साथ होता है, ठाकुर जी के बिना ना भूख ना प्यास, किसी ने पानी नहीं पिया, किसी ने जल नहीं लिया, किसी ने भोजन नहीं किया, संत उदास। और चोरों को ठाकुर जी ने कहा कि जैसे तुम लाए थे वैसे हमें वहां पहुंचा दो, नहीं तो तुम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। अब महाराज घबराए और ठाकुर जी को लेकर के सब क्षमा प्रार्थना की, साष्टांग दंडवत या महात्माओं को, महात्मा तो आनंद भाव पुलकित होकर के उनको कहाँ लग रहा था, अरे भैया तुमने बड़ी अच्छी कृपा की, ठाकुर जी पहुँचा दिए वही बड़ी बात है, उनको आशीर्वाद दिया जाओ। और उसके बाद में ठाकुर जी को फिर राग भोग लगाया गया, फिर संतों ने प्रसाद पाया, आरती और सब कुछ, कीर्तन वगैरह सब हुआ। उसके बाद में कहा कि भैया चलो अब कथा शुरू की जाए। अब कथा में महात्मा लोग तो इतने विषाद में डूब गए थे ठाकुर जी के जाने के बाद में, अब किसी को यही नहीं याद रहा कि कथा कहाँ चल रही थी। तो ब्यास जी ने पूछा भैया कहाँ कथा चल रही थी, तो कोई महात्मा बता ही नहीं पाए कि कथा चल कहाँ रही थी। तो ठाकुर जी के श्री विग्रह बोले वो रविदास जी की कथा चल रही थी, श्री रविदास जी की कथा चल रही थी। मतलब ठाकुर जी की मूर्तियां भी लीला करती हैं, इनको जड़ नहीं समझना चाहिए। अभी आपको यहाँ का चमत्कार बताएं, यहाँ का चमत्कार ये है कि हमारे ठाकुर जी बहुत दिन नहीं आए थे, सो हमको भी स्वप्न दिया कि क्यों अकेले अकेले आनंद ले रहे हो। हमने कहा भैया सुनील जी ठाकुर जी को पधराओ यहाँ पर, तो ठाकुर जी विराजमान हो गए। तो ठाकुर जी जड़ नहीं होते हैं, चेतन हैं, इसलिए तो इनको जो ठाकुर जी की जो अद्यतम लीलाएं हैं, अद्भुत लीलाएं, जन्माद्यस्य तोन व्याधि तरतस चार्थे सुभिज्ञस्वराट, ये जड़ नहीं ये चेतन है, ये परतंत्र नहीं है स्वराट, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं,
परतंत्र कौन है? जीव। और स्वतंत्र कौन है? परमात्मा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि परे बस जीव स्वस भगवंता, परे बस जीव स्वस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, परे बस जीव स्वस भगवंता, परे बस जीव स्वस भगवंता। जीव परवश है, बंदी है, वो अपने कर्मानुसार कर्म के बंधन के कारण धरती पर प्रादुर्भूत हुआ है, जन्मा है। लेकिन परमात्मा स्वस भगवंता सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उनके ऊपर किसी का अनुशासन नहीं चलता। हम धरती पर आते हैं तो अपने कर्मानुसार आते हैं, योनि में किस जगह पर किस देश में किस काल में अपने कर्मानुसार आते, लेकिन परमात्मा सर्वत्र अपनी इच्छा से आता है और अपनी इच्छा से लीला स्मरण करके अपने धाम को क्यों गवने निज धाम। हम तो गवन नहीं करते, हमें तो खींचा जाता है, चलो तुम्हारा टाइम हो गया, चलो यहाँ से ले जाया जाता है। ठाकुर जी गमन करते हैं। तो वो स्वराट है, राजा है, सर्वतन स्वमनी आत्मा, आत्माओं का सम्राट है ईश्वर जीव स्वस भगवंता। तो ये क्या है? जन्माद्यस्य यतोन वयादि तरितश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। ये वो परमात्मा है जिसने संकल्प मात्र से हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा जी नहीं ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ को संकल्प मात्र से ज्ञान करा दिया। हिरण्यगर्भ मानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को सृष्टि का जो ज्ञान मिला। अब देखो आजकल लोग कुछ भी चीज वस्तु बनाते हैं तो पहले उसे सीखते हैं, कितना बड़ा अध्ययन करते हैं, उसके बाद में प्रोडक्ट तैयार करते हैं, भैया अब हम तैयार हो गए अब नया। और ब्रह्मा जी महाराज की सृष्टि आपने देखी? नहीं देखी तो हमने देखी तो यही सब है। नहीं नहीं उसके लिए एक टीवी में चैनल आता है, क्या कौन सा आता है, जीव पशु पक्षियों का है? हाँ एक डिस्कवरी भी आता है और एक एनिमल भी आता है, जो भी आता हो देख लीजिएगा। तो क्या अजब तेरी कारीगरी करता, कितनी तुझे फुर्सत है, हम आदमियों को इतने बड़े बड़े हमें दो ही पांव दिए और एक छोटा सा कीड़ा देखा इतना बड़ा, 36 पांव उसकी है? रेल में भी शायद इतने इंजन ना होते, पहिए ना होते, और सब कैसे वो ध्यान रखता है, पांव को चलाता है सब, फिर भी आदमी से ज्यादा नहीं चल पाता थी। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हाँ गनगुआर कहते हैं, महाराज जी बता रहे हो कितने पांव होते हैं। ऐसे ऐसे जीव जंतुओं को देखा और पक्षियों को देखा, कितने गजब गजब की चिड़ियों के रंग किए हैं, क्या कलर मारा है उनमें। तोता को देखो कितना सुंदर चोंच लाल रंग की, फिर पंखे उसमें भी कलर। और उसको देखना हो तो तितलियों के पास चले जाओ, बनारस की साड़ियों के कलाकार फैल, उनको देख देख करके बनारस की साड़ियों की डिजाइनें बनती हैं महाराज, तितलियों के पत्तों के पंखों के फोटो लेकर के फिर कहते ऐसा कलर बना। कभी अपने गाय के बछड़ों को देखा, गाय का बछड़ा ऐसा प्यारा जन्मता है आंखों में, आपको तो रोज काजल लगाना पड़ता, लगा लगाया काजल, आहा क्या सुन। और पांव में लाल लाल फीते मार दिए, और उसके बाद में भी मस्तक पर मानी पूरा बॉडी सफेद और मस्तक पर लाल टीका, अजब तेरी कारीगरी करता। देखो कभी उसमें कि कितनी क्या गजब की कारीगरी है भगवान की। तो ये जो ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान मिला किसने दिया? तेने ब्रह्म, कौन ब्रह्म का? जन्माद्यस्य तोन व्यादि तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट, जिसका श्रीमद् भागवत में वर्णन हो रहा है। और उस ब्रह्म ने, तो फिर क्या वो पाठशाला में आए थे पढ़ने के लिए ब्रह्मा जी? क्या वहां कॉपी पेन लेकर के बैठे थे? क्या वहां पर कंप्यूटर और डायरी थी उनकी?
कुछ नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदिक भय, बस उन्होंने संकल्प मात्र से उनको वो ज्ञान दे दिया। और संकल्प मात्र से तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और ऐसा आदि कवि कहा गया उनको, ब्रह्मा जी को। अब कवि का मतलब कविता करना होता है, लेकिन ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है ये कविता है। स्मृतियों में कहा गया है आराम मिश्र मिदम जगत, ये परमात्मा की कविता है। ब्रह्म ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, ये परमात्मा की कविता है। हमारी जो कविता है वो देखी नहीं जा सकती है, सुनी जा सकती है, लेकिन परमात्मा की कविता देखी भी जा सकती है और परमात्मा की कविता सुनी भी जा सकती है, क्योंकि निरावृत है वो और माया के आवरण से रहते हैं। इसलिए जरा परमात्मा का संगीत सुनना है तो झरने के पास चले जाओ, झरने के पानी के जो कलकल छलछल का निनाद है उसमें म्यूजिक है। परमात्मा के संगीत को सुनना है तो सुबह उठो 5 बजे, देखो मयूरें आपको कितना सुंदर यहां आवाज आती है, सुनिए आप लोगों ने। हाँ, भक्ति वेदांत मंत्र में मयूरों की बड़ी प्यारी आवाज आती है। ये क्या है? ये परमात्मा का संगीत है। समय से सूर्य उगता है, समय से सूर्य ढलता है, समय से चंद्रमा का आगमन होता है, जाते हैं तितलियां उड़ती हैं, फूल खिलते हैं, दिन आता है रात आती है। ये क्या है? आराम अस्मिदम जगत, ये परमात्मा की कविता है, ये ब्रह्मा जी की कविता है, ये काव्य। तो केवल कविता तुकबंदी की नहीं होती, इसलिए अभी बीच में एक काव्य समय आया था, काव्य में अभी भी चल रहा है, अतुकांत कविताएं होती थी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इस प्रकार से आप देखोगे तो ये किस कवि की रचना है। तो मतलब ये अतुकांत कविताएं अभी भी पेपरों में मैगजीन वगैरह में चलती है, तुकबंदी नहीं होती, लेकिन शब्द शैली एक धारावाहिकता के साथ में प्रवाहित होती है। तो मतलब ये क्या है? आराम मिश्रमिदम जगत, ये जो संसार है ये परमात्मा की कविता है, और इस कविता का सृजन ईश्वर ने किसके माध्यम से किया है? का ब्रह्मा जी के माध्यम से। ब्रह्मा जी को ये ज्ञान कहाँ से मिला? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि है वही ब्रह्मा जी महाराज, तो वाल्मीकि जी बने हैं बाद में, तो वो आदि कवि है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्या, ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि मुहियन को में भगवान ने, दूसरे स्कंद में आएगा, संकल्प मात्र से दिया। मुहियंति यत् सूर्या, बड़े बड़े सूर्य लोग मोहित हो जाते हैं। यहां सूर्य का तात्पर्य आप योद्धा मत समझ लेना, रामानुज संप्रदाय में अपने गुरु को, आचार्यों को सूर्य कहा गया है। बड़े दक्षिण भारत में आचार्यों को सूर्य शब्द से संबोधित किया गया है, रामानुज संप्रदाय में आलवार आदि स्तोत्रों की रचना की। तो वहां पर मुह्यंत्यत सूर्या, तो बड़े बड़े विद्वत मनीषी लोग श्रीमद् भागवत में मोहित हो जाते, मुह्यंत्यत सूर्या। तो कहने का तात्पर्य यह है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत्यत सूर्या, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मिशा, जिसे परमात्मा की अद्भुत लीला है, जैसे तेजो में सूर्य में, जैसे तेजो में सूर्य की रश्मियों में जल की अनुभूति होती है, और जल में स्थल की अनुभूति होती है, और स्थल में जल की अनुभूति हुई है, कभी आपने देखा, कभी अनुभव किया? रश्मियों में जल की अनुभूति होती है, और जल में थल की अनुभूति होती है, जल में लगता है कि पृथ्वी है, और पृथ्वी में आपने देखा हो कभी कभी सड़क पर या खेत में चलते चलते, तो बड़ी गर्मियों के बीच में ऐसा लगता है कि वहां पानी भरा हुआ है खेतों में। तो जिस परमात्मा की माया से तेजो में जैसे तेजो में सूर्य की रश्मियों में जल की अनुभूति, जल में थल की अनुभूति, थल में जल की अनुभूति का भ्रम होता है,
जल का भ्रम होता है, थल में जल होता नहीं, वहां पर फिर भी भ्रम होता है, लगता है पानी भरा है। तो उसी प्रकार से तीनों कालों में मिथ्या होने पर भी यह जो सृष्टि है, यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्त रूप सृष्टि तीनों कालों में असत्य होने के बावजूद भी ईश्वर की अधिष्ठान सत्ता के कारण सत्यवत प्रतीत होती है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता जड़ माया। आपको बताया गया कि माया जड़ है, यद्यपि मृषा त्यू काल महु, लेकिन भ्रम न सके को तार। यद्यपि ये जितना भी संसार में दिखलाई पड़ा है तीनों कालों में असत्य है, न ये पहले कभी सत्य था, न आज सत्य है, न भविष्य में जा करके सत्य होगा, लेकिन फिर भी हम इसी के साथ में सत्य का व्यवहार करते हैं। धरती में ऐसा कौन सा इंसान है जिस इंसान ने अपने आंखों के सामने मुर्दे को जाते हुए ना देखा हो? हर कोई देखता है कि मर गया आदमी, ठटरी बंद गई और चार कंधों पर रखा हुआ चला गया। लेकिन ऐसे सोचते हम ना मरे, मरे है संसार, बस जय मर गए। जानते हैं कि एक दिन हमारी भी ठटरी ऐसी बंधेगी, लेकिन फिर भी हम कहे धन धाम संवारे और अंत चले उठ रीते, मन पछताई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, कर्म वचन अरु जीते। सूर्य दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करके भगवत पादारविंदों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। बोले कैसे? बोले कर्म वचन और जीते, मनसा वाचा कर्मणा भगवत शरणागति रहनी चाहिए। स्वभाव बन जाए भजन, ये महात्माओं का स्वभाव बन गया, ये माला झोली यहीं पर नहीं, हरदम इनकी माला झोली रहती इनके पास। स्वभाव बना लो ठाकुर जी का भजन। तो यद्यपि मृषा, तो ऐसे जो तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, यद्यपि तीनों कालों में सत्य, फिर भी ब्रह्म की भगवान की अधिष्ठान सत्ता के कारण सत्यवत प्रतीत होता है। इसलिए यथा भानु करवार यद्यपि मृषा त्यू कालमो, लेकिन भ्रम न सके को उतार। शीप भास कैसा है चौपाई? जैसे आपने कभी नदी के किनारे गए, नदी के किनारे कभी खेले रेत में, तो रेत में क्या होता है कि उसमें शीप पड़ी रहती है, सूर्य की रश्मियां उस पर पड़ती है तो कैसी चमकती है, एकदम चांदी लगता है, चांदी का टुकड़ा पड़ा। रजत शीप महो भास जिम, क्या थोड़ी सी विस्मृत हो रही। तो जथा भानु करिवार यद्यपि मृषा, यद्यपि वो ना तो पहले कभी चांदी थी, ना है ना होगा, लेकिन भ्रम न फिर भी ऐसी प्रतीत होती है मानो चांदी है। ऐसे ही संसार तीनों कालों में असत्य है, फिर भी हम ऐसी इसमें तैयारी करते हैं जीने की, और बड़ा मजा आता है कि जब तक वो तैयारी करता है 60-65-70 तक, तब तक उसका मकान बन बनू करके सब तैयार होता है, और उसके बाद में पता लगा बाबूजी गए, अब बच्चे आनंद करते हैं उसके अंदर में। इसलिए ये जो माया है उसी की साधिष्ठान सत्ता से तेजो वारी मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम।